लेदर का यहाँ पे ज्यादा यूज आपको नहीं दिखाई देगा गाड़ी के अंदर कहीं पर भी। और मेरी जो हाइट है इट इज 5'5", देख लीजिए इतना मुझे नी रूम मिल रहा है। हेड रूम तो हमारे पास है ही, बहुत अच्छी खासी हाइट वाला बंदा भी इसमें नहीं बैठ सकता। 5'5" 5'6" तक है तो आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार आज हम आपके लिए एक ऐसी कार लेके आए हैं जो कि आर्टिका नहीं है, वो है हमारी टोयोटा रूमियन। लेकिन यस, यहाँ पर ये एक चीज़ मेंशन करेंगे कि मारुति की गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, नो डाउट अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। वहाँ पे अगर हम उसको कंपेयर करें टोयोटा के साथ तो कुछ चीज़ों को वो कंपनी बेटर कर देती है। क्या क्या चीज़ें बेटर की गई है बात करने वाले हैं उसके ऊपर, कि अगर आप अर्टिका को प्लान कर रहे हैं या उसी बजट में किसी गाड़ी को आप प्लान कर रहे हैं तो रूमियन भी एक बार वर्थ कंसिडर करने वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पर अगर हम लोग फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो आपको ये जो ग्रिल है ये फुल ऑन ब्लैक पियानो फिनिश में दी गई है, हनीकॉम पैटर्न का यहाँ पर यूज़ किया गया है। हेडलैम्प्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं और ये आपके हैलोजन बल्ब्स हैं। नीचे के साइड में आप फॉग लैंप ऑफर किए गए हैं। लोअर बम्पर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्रोम का यूज़ दिखाई देगा। तो इन टोटल हमें फ्रंट में क्रोम का काफ़ी यूज़ दिखाई दे रहा है। गाड़ी आपको फ्रंट प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा फ्लैशी लगने वाली है। अब मूव करते हैं कार के साइड प्रोफाइल पर। साइड में आप मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके ड्यूअल शेड में अलॉयज मिल जाते हैं, सिल्वर एंड ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है। 185/65 R15 इनका प्रोफाइल है। कार में देखिए, अगर आप बेस वेरिएंट के ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको अलॉयज नहीं मिलने वाले। वेरिएंट की अगर बात कर रहे हैं तो ये गाड़ी आपको मैनुअल के अंदर भी मिलती है, आपको ऑटोमेटिक में भी मिलेगी और आपको CNG के साथ भी मिलेगी। तो वो आपकी चॉइस है, आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। अगर आप जा रहे हैं मैनुअल के अंदर तो वहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस है, S जो इसका बेस वेरिएंट है, देन मिड वेरिएंट इज G और फिर आपका आता है V। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास बेस वेरिएंट S है और टॉप वेरिएंट V है। मिड वेरिएंट G को हटा दिया गया है वहाँ से। और अगर आप लेते हैं कार को CNG के अंदर तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएंट है, दैट इज़ S वेरिएंट। फर्दर पीछे की तरफ मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं। कार के अंदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड पर दिए गए हैं, ड्राइवर साइड पर भी और पैसेंजर साइड पर भी। और ये है इस कार का टोटल प्रोफाइल जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साइड प्रोफाइल से गाड़ी अच्छी लग रही है। और जो ये वाला पार्ट है जो हमारे रेन सेंसर्स होते हैं ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये टोयोटा एक्सेसरी का पार्ट है जो इनकी लेजेंडर वगैरह में भी ये यूज़ करते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। डायमेंशन वाइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो लेंथ है वो है अराउंड 4.4 मीटर। इस कार की जो हाइट है हमारी वो है आपकी 1.6 मीटर्स। और जो इस कार की ब्रॉडनेस है, जो विड्थ है, वो आपको मिलती है 1.7 मीटर्स। व्हील बेस जो आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है दैट इज़ अराउंड 2.7 मीटर्स। जो कार का फ्यूल टैंक है वो आपको पैसेंजर साइड पर दिया गया है। इस टैंक की कैपेसिटी जो है वो है आपकी 45 लीटर्स। और अगर माइलेज की मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपको माइलेज दे देगी 20-21 की पेट्रोल में अगर आप लेते हैं, और अगर आपने गाड़ी को ख़रीदा CNG के अंदर तो वहाँ पर जो आपको माइलेज ऑफर की जाती है दैट इज़ अराउंड 26.1 km/h, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं गाड़ी और बजट में आपको गाड़ी चाहिए और माइलेज भी बहुत अच्छी खासी चाहिए, देन गो फॉर CNG। बैक प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, बैक से तो टोयोटा रूमियन मुझे बिल्कुल अर्टिगा लग रही है। यहाँ पे तो कोई भी ऐसा चेंज नहीं है जिसको हम अलग से मेंशन करें। आपको डिफॉगर वाइपर, ये आपको ब्रेकिंग लाइट्स दी गई है। जो टेल लैम्प स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम है, कुछ आपको क्रोम का यूज़ भी दिखाई दे जाएगा। रिवर्स में आपको कैमरा यहाँ पर दिया गया है और नीचे के साइड में आपके पार्किंग सेंसर्स हैं। ये जो पर्टिकुलर वेरियंट है ये है आपका नियो ड्राइव वी, मतलब पेट्रोल में वी वेरियंट है ये। अब चलते हैं इसके बूट में। पावर टेल गेट नहीं है, ये नॉर्मल टेल गेट है। अगर आपकी सारी सीट्स अपराइट पोजीशन में है, 7-सीटर व्हीकल है ये, तो आपके पास इतना बूट स्पेस है जिसमें आपका ठीक ठाक छोटा मोटा सामान आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने बूट स्पेस को इंक्रीज़ करना तो आप अपने लास्ट रो को डाउन करके बहुत अच्छा खासा ह्यूज मैसिव बूट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये होता है इस तरीके से, तो इसको वापस लाना है तो आप इसको अपनी तरफ इस तरीके से पुल करके पोजीशन इसकी सेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ पर स्टोरेज मिलता है जहाँ पे टूल किट को प्लेस किया गया है। जो कार का स्पेयर टायर है वो आपको गाड़ी के नीचे दिया गया है, जो आपका फुल साइज टायर है एंड इट इज़ विदाउट अलॉय। चलिए अब देखते हैं कार का इंटीरियर और उसमें सबसे पहले कम्फर्ट की बात करेंगे। लास्ट रो में मुझे जाना है, वो कितना ईजी बनाया गया है। आप इस सीट को इस तरीके से मूव कर सकते हैं आगे, जो आपको ये साइड में दिया गया है कंट्रोल, इसकी हेल्प से आपकी जो सीट है वो डाउन होके आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर गई है। अब मैं चलती हूँ पीछे।
अब देखिए जो हमारी आगे की सीट है उसको हमने एडजस्ट किया है कि अराउंड 5'10" हाइट का अगर बंदा आगे बैठता है, अच्छी खासी हाइट वाला बैठता है, और मेरी जो हाइट है इट इज़ 5'5", तो मैं यहाँ पर आप देख लीजिए इतना मुझे नी रूम मिल रहा है, इतनी जगह है मेरे पास, मतलब बहुत अच्छा खासा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन यस मुझे अनईजी भी नहीं हो रहा है। इतनी सीट मैंने इस टाइम मैक्सिमम रिक्लाइन की है, तो रिक्लिनेशन मुझे ठीक मिल रहा है, जगह यहाँ पर ठीक मिल गई है, हेड रूम तो हमारे पास है ही, तो इन सीट्स को हम चाइल्ड सीट नहीं बोल सकते, और बहुत अच्छी खासी हाइट वाला बंदा भी इसमें नहीं बैठ सकता, लेकिन यस अगर आप 5'5" 5'6" तक हैं तो आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लॉन्ग ट्रिप में आराम से बैठ के उस ट्रिप को इन्जॉय करेंगे। आपको ऑफ़र क्या क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और दोनों साइड में कप होल्डर मिल जाते हैं, ये जो यहाँ पे विंडो साइज़ है ये अच्छा खासा दिया गया है, अच्छी खासी क्लैरिटी के साथ है, तो आपको सफोकेशन नहीं लगेगा, आपको ऐसा सफोकेटिंग सा बंद बंद सा कैबिन फील नहीं होता, लाइट कलर की वजह से और कैबिन आपको एयरी लगता है, तो यस अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो यहाँ पर ये सीट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब हम आते हैं कार के रियर पे। मिड रो के अंदर आपको बहुत अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है, अपनी सीट को आप मैक्सिमम अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे मूव कर सकते हैं, तो ये इस टाइम पर हमने मैक्सिमम कर रखा है। 60:40 स्प्लिट आपको मिलने वाला है यहाँ पर। जो विंडो साइज़ है ये आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है यार, बहुत अच्छे अच्छे ह्यूज विंडो साइज़ है। अभी मैंने आपको दिखाया रियर के अंदर भी बहुत अच्छा ऑफ़र किया गया है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा साइज़ यहाँ पे मिल जाता है, तो कैबिन के अंदर ना कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मुझे घुटन हो रही है, बंद बंद सा लग रहा है, एकदम खुला वुल्ला सा फील होता है, मज़ा आएगा इस गाड़ी में बैठ के आपको। अब देखते हैं हमें ऑफ़र क्या क्या किया गया है। ऑफ़र करने के लिए हमारे पास साइड में जो डोर हमारे हैं वहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, क्रोम डोर हैंडल आपको मिल जाता है, दोनों जो आपकी विंडोज़ हैं ये आपकी पावर विंडो हैं, सेंटर में 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, नो USB पोर्ट, नो टाइप सी पोर्ट। ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, और ये AC नहीं है यहाँ पे अलग से आपके पास कोई, ये 2-zone 3-zone AC नहीं है यहाँ पर, नॉर्मल AC ब्लोअर्स इसे हम कहेंगे कि वहाँ से इस साइड से इसने जो आपकी एयर है, जो AC की हवा है उसको इनटेक किया और यहाँ पे उसका आउटपुट आपको मिल जाता है, और यहाँ से अपने ब्लोअर की स्पीड को आप सेट कर लेंगे लाइक दिस। फ्रंट में आप देखते हैं तो देखिए जो आपकी सिटिंग है वो नो डाउट इस कार में काफ़ी कम्फर्टेबल है, आपको फैब्रिक में आपकी अपॉल्स्ट्री ऑफर की जाती है, लेदर का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ आपको नहीं दिखाई देगा गाड़ी के अंदर कहीं पर भी, क्या साइड की बात करें या सीट में किसी भी पोर्शन की बात करें, छोटा मोटा आपको जो यूज़ दिखाई दे रहा है वो आपको जैसे यहाँ पे सेंटर में आपका जो हैंड रेस्ट है वहाँ पर दिखाई देगा, डैट्स इट, और कहीं पर लेदर आपको एज सच नहीं दिखाई देने वाला। प्लास्टिक का यहाँ पर मैक्सिमम यूज़ किया गया है, और जो इसका फिट एंड फिनिश है वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, बहुत क्लियर सा नीट सा डैशबोर्ड लेआउट यहाँ पे बनाया गया है। इंफोटेनमेंट की अगर बात करें तो ये इसका छोटा सा इंफोटेनमेंट आपको मिल जाता है, और ये आपका सपोर्ट करता है आपके बेसिक जो आपके फंक्शन में बहुत रिक्वायर्ड है आज के डेट में, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो। सामने की साइड में हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, और ये आपका मिक्स है, जैसे आपको यहाँ पर एनालॉग मीटर्स दिखाई दे रहे हैं फॉर योर स्पीड, फॉर योर RPM, और जो सेंटर में हमारा MID स्क्रीन है वो आपको और इन्फॉर्मेशन दे रहा है लाइक आपकी फ्यूल इकोनॉमी क्या है, आपकी रेंज कितनी है, ये सारी चीज़ें ट्रिप एवरेज ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं अपने MID स्क्रीन के थ्रू। इसको चेंज करते हैं तो आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स को देख सकते हैं। नीचे के साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको AC कंट्रोल यूनिट मिल जाती है, सिंगल जोन AC यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। फर्दर नीचे जाएंगे तो USB पोर्ट आपको दिया गया है, और ये आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पर आपको एक जगह दी गई है, आपका एकदम मन करेगा कि यार वायरलेस चार्जर दे देते भाई, नहीं आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ये जो आपके पास कप होल्डर की जगह है ये आपका कूल्ड कप होल्डर है, तो अगर आप चाहते हैं आपका ड्रिंक ठंडा रहे तो यहाँ से आप अपना एयर का जो फ्लो है, जो AC वेंट का जो एयर डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। ऊपर तो आएगी हवा नीचे भी आ जाएगी, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि मूव ही हो गई कि भैया फेस पे नहीं आ रही, सारी नीचे आ रही है। अब यहाँ पे आ गया इसका ट्रांसमिशन, ये गाड़ी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में और CNG के साथ मिलती है। यहाँ पर ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड मैनुअल, और ये जो आपका ट्रांसमिशन है ये आपका 5-speed AMT है, और मैनुअल में भी आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और जो आपका CNG है वो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपको सिर्फ S वेरिएंट में मिलता है, मींस बेस वेरिएंट के अंदर मिलता है, और वो आपका मैनुअल है, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है।
यहाँ पर आप देखेंगे आपको हैंड ब्रेक ऑफर किया जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल इस कार के अंदर है, आइडल स्टार्ट स्टॉप भी आपको यहाँ पर दिया गया है, और ये है हमारा स्टार्ट स्टॉप बटन। और ऑटोमेटिक हम लोग कार ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर ऑफर किए जाएंगे। टॉप वेरिएंट के ऊपर आएंगे जो हमारा वी वेरिएंट है जिसमें बैठे हैं स्टैंड पर हम, वहाँ पर जो आपके हेडलैम्प्स हैं वो आपके ऑटो सेटिंग के साथ हैं, और जो आपका वाइपर है ये आपका नॉर्मल है, ये रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है। सारी विंडो आपकी पावर विंडो है, एक्सेप्ट जो आपकी ड्राइवर विंडो है उसके अंदर दो फीचर एड ऑन है कि ये एंटी पिंच है और सिंगल टच अप एंड डाउन के साथ है। ये है हमारा ORVM कंट्रोल सेटिंग। ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पर नॉर्मल लाइट दी गई है और आपका ये भी नॉर्मल ही IRVM है, दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रोक्रोमिक। अर्टिगा से अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए आपको इंटीरियर काफ़ी डिफरेंट लगने वाला है। उसमें कुछ पैरामीटर्स जो इन्होंने ऐड किए हैं, थोड़ा टच दिया है, ये वुडन फिनिश आपको थोड़ी लग्जूरियस सा फील कराती है। आपको ये साइड पैनल के अंदर भी दिया गया है, फ्रंट में भी आपको कॉस्मेटिक चेंजेस दिखाई दिए होंगे, जैसे जो हमारी फ्रंट के हेडलैम्प है उसको बदला गया है, ग्रिल को बदला गया है, नीचे का जो लोअर बम्पर पार्ट है उसको बदला गया है। अगर आप इस कार को पेट्रोल में खरीदते हैं तो आपको 1500 cc का इंजन ऑफर किया जाता है जो आपको टॉर्क देने वाला है 136 Nm का, और आपको जो पावर मिलेगी वो मिल रही है 101 BHP की। CNG में अगर आप गाड़ी को खरीदते हैं तो आपकी जो पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 86 BHP की, और जो आपका टॉर्क है वो आपका हो जाएगा 121 Nm का। इंसुलेशन आपको यहाँ पर दी गई है और इसकी वजह से थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाती है कि कार के अंदर जो हमारा इंजन नॉइस है वो कम हो जाए। सेफ्टी की बात हम करेंगे नहीं इस कार के अंदर, क्योंकि मारुति का प्रोडक्ट है, रीबैच किया गया है, तो सेफ्टी के बारे में नो कमेंट्स। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइस की। गाड़ी का प्राइस अगर हम स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है 10.29 lakh से, एक शोरूम की बात कर रहे हैं, एंड इट गोज अप टू 13.68 lakh। तो देखिए गाड़ी अच्छी है, बजट में आ जाएगी, अच्छी खासी आपको माइलेज ऑफर करती है, फीचर्स आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं यहाँ पर। तो अगर आप इस बजट में गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो रूमियॉन को एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा।